टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शहर के विभिन्न हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पोस्टर अभियान शुरू करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। आपने बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर अभियान देश भर में 11 भाषाओं में शुरू किया है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी में भी पोस्टर जारी किए गए हैं। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दीवारों पर पीएम को निशाना बनाने वाले हजारों पोस्टर दिखाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इसमें 49 FIR दर्ज की गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी के बारे में तो सारे चोरों के सरने मोदी ही क्यों हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बयान पर अपनी संसद सदस्यता खो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में सजा पाने और लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद भी मामला थमने वाला है, क्योंकि अब अरबपति कारोबारी ललित मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। वो देश के खजाने को लूटने वालों की लिस्ट में अपना नाम बार बार शामिल किए जाने से बिफर पड़े हैं। पिछले कई वर्षों से विदेश में रह रहे ललित मोदी ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी को तो कोर्ट में घसीट कर ही मानेंगे। उधर पटना की अदालत ने इसी मामले में राहुल को 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की शिकायत पर राहुल को समन भेजा गया है। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का गुस्सा हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने काली झंडी दिखाकर उतारा। दरअसल हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एक परिवार तक ही सीमित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अमर बनाकर इसे समाप्त कर दिया। शाह ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा बाबर के समय से अटका हुआ था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम अगले साल की रामनवमी तक अपने भव्य मंदिर में होंगे। शाह के हरिद्वार में भल्ला कॉलेज हेलीपैड पर उतरने के तुरंत बाद परशुराम चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को संसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। कई कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री को काले झंडे दिखाए और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।